मुगल काल। तो मुगल काल प्रारंभ होता है हमारा बाबर से। सन 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का जो समय है ये बाबर का टाइम पीरियड है। पानीपत का प्रथम युद्ध 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ध्यान दें, बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं सभी युद्धों में बाबर की ही विजय हुई है। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? शेख मिर्जा था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1529 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के खिलाफ था, जो पहला अभियान था। बाबर ने युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। ये बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ता था। इसके दौरान जो युद्ध में नीति अपनाई जाती थी उसको हम क्या कहते हैं? तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। और ये अपने युद्ध में तोपों को लेकर साथ चलता था, यानी तोपखानों का क्या करता था, उपयोग करता था। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर देखें, बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और नुसरत शाह यानी अफगानों के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो यहाँ से भी बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है, जो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो बाबर है, बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। बाबर का मकबरा काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक रहा। अब बाबर का यहाँ पर हम देखें तो उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। और हुमायूं का समय 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक है। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं के द्वारा की गई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 1540 ईस्वी को हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। देखें, दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुए हैं। चाहे हम चौसा के युद्ध 1539 की बात करें या कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध 1540 के बात करें, दोनों हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य ही हुए हैं और दोनों में ही शेर शाह सूरी की क्या हुई है? जीत हुई है। इसी समय जो हुमायूं था वो भारत को छोड़ करके चला गया था। हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल था। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉपुलर पुस्तकालय है शेर मंडल। क्यों है? क्योंकि यहीं पर हुमायूं इसी पुस्तकालय से गिर करके दीन पनाह भवन में, जो पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थीं 1556 ईस्वी में, यहीं से गिर करके हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और रविवार को पीले वस्त्र पहनता था। क्यों? क्योंकि वह ज्योतिष में क्या करता था? विश्वास करता था।
हुमायूं की मृत्यु के पश्चात शासनकाल अकबर के हाथों में आ गया। अकबर ने शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक संभाला। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में यानी 1556 ईस्वी में काला नौर में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर निरक्षर यानी अनपढ़ था, ये बहुत बार पूछा गया है। बिना पढ़ा हुआ बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू शूरशाह शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है, यानी इसके द्वारा कुल 24 युद्ध लड़े गए थे जिसमें से इसने 22 युद्धों को जीता था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जाता है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस जीत के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसके दौरान करवाया गया था। गुजरात को स्मृति ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का क्या कह दिया था? अंत कह दिया था। तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर क्या कह दिया गया? अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। तो यहाँ से पूछा जाता है अकबर के द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म सबसे पहले किस हिंदू राजा के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो बीरबल के द्वारा स्वीकार किया गया था। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अब्दुल फजल था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की क्या की थी? स्थापना कहां पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद जो होते थे उनको निपटाना था। तो इबादत खाने में किसको निपटाया जाता था? धार्मिक वाद विवाद जो होते थे उनको निपटाया जाता था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आयन ए अकबरी नामक जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसको है? टोडरमल को है, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री हुआ करता था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले यदि देखा जाए तो ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, वीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये कई बार पूछ लिया गया कि जो तानसेन है तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ। तानसेन की कृतियाँ मियाँ की मल्लार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, यानी आपको जोड़कर रखना है तानसेन के साथ में मियाँ को, तो जैसे ही आपको याद हो जाएगा मियाँ के नाम से मियाँ की मल्लार, मियाँ की टोड़ी और मियाँ की सारंग। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। सुनाई होगा आपने तानसेन का नाम, इनके गाने से दिए जल उठते थे। हकीम हुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था। और अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि तथा बैरम खां थे अकबर के संरक्षक, उनके पुत्र थे। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का हुआ। किसका पड़ा? अब्दुल रहीम खाने खाना का जहांगीर के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने के लिए मिला। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन था। अकबर जैन गुरु हरिविजय का बहुत सम्मान करता था।
उसने इनको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि। भित्ति चित्रकारी यदि देखें पहली बार अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। बसावन को अकबर के समय सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अकबर के समय का सबसे अच्छा जो चित्रकार है उसका नाम क्या है, तो बसावन उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब बनाई थी, 1571 ईस्वी में बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों के विद्रोह के दबाते हुए हो गई थी और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेशदास था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेशदास था। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हो गई थी और अकबर का जो मकबरा बनाया गया था ये सिकंदरा, यानी जो कि आगरा में है, सिकंदरा में बनाया गया था। अकबर के बाद 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक का जो शासन रहा ये जहांगीर का रहा और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो गई थी उस समय ये राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। न्याय की जंजीर में 60 घंटियां हुआ कहती थी। कितनी घंटियां हुआ कहती थी, 60 घंटियां हुआ कहती थी। जहांगीर ने तमगाकर पर प्रतिबंध लगा दिया और जमान बेग महावत खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर को सबसे बड़ा, जहांगीर का सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम क्या था, खुसरो था। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का क्या था, वजीर था। तो यहाँ से ये बहुत ही मोस्ट है, गुरिल्ला युद्ध आपने देखा होगा बाहुबली में। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का क्या हुआ कहता था, वजीर हुआ कहता था। नूरजहाँ मिर्जा ग्यासवैन की पुत्री थी। तो जो नूरजहाँ मिर्जा है ये ग्यासवैन की पुत्री थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। वह एक विधवा थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में इससे शादी कर ली तथा उसके पिता एतमादुल्लाह की उपाधि, उसके पिता को एतमादुल्लाह की क्या की उपाधि दी। जहांगीर के 5 पुत्र थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर थी। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, किस शासक के काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपनी चरम सीमा पर हुआ करती थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर, ये मंसूर आपको याद करके रखना है, अब्दुल हसन, बिशनदास, मनोहर तथा अकारिजा थे, जिसमें आपको मंसूर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जहांगीर तथा एतमादुल्लाह का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया। एतमादुल्लाह जहांगीर का कौन था, ससुर था, यानी नूरजहाँ का कौन था, पिता था। शाहजहाँ नूरजहाँ को 200,000 वार्षिक पेंशन देता था। शाहजहाँ, अब यहाँ पर यदि हम देखें शाहजहाँ का जो समय है 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक का है। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक शाहजादा खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल आसफ़ खां की पुत्री थी। शाहजहाँ ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। शाहजहाँ का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद से हुआ और शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को
दक्षिण सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी किसको बनाया था? औरंगाबाद को बनाया। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था और मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र हुआ कहता था। शाहजहाँ के यदि हम यहाँ पर देखें तो चार पुत्र थे जिसमें दारा शिकोह सबसे ज़्यादा दयालु था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहाँ के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया, इसे तख्ते ताऊस कहते थे। तो देखिए शाहजहाँ ने एक सिंहासन बनवाया था जिसको क्या कहा जाता है, मयूर सिंहासन कहा जाता है। और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था जिसको आगे जाकर नादिर शाह लूट ले जाता है। तो शाहजहाँ के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया था। किसने किया था? बेबादल खान ने। और मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। कौन सा युग कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। और शाहजहाँ ने क्या किया, जो बलबन के दौरान सजदा और पाबोश प्रथा चलाई गई थी उसको शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया और दारा शिकोह ने प्राणों का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से बना यूनी ने किया था। तो देखें महाभारत का यदि फारसी भाषा में अनुवाद देखा जाए तो वो किसने किया था? बना यूनी ने किया था। और फिर उसका नाम क्या रखा गया था? रजमनामा रखा गया था। ताजमहल की रूपरेखा यदि यहाँ पर हम देखें तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी, यह ईसा खां की देखरेख में बनाया गया था। तो देखें ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था लेकिन बनाया किसने था, तैयार किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ तथा 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब की क्या हुई, जीत हुई। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा जहाँ पर उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक एक साल बाद यानी 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का क्या था, पुत्र था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुजार सिंह के विरुद्ध लड़ा। देखें ओरछा आपने नाम सुना होगा, राजा राम माने भगवान श्री राम की नगरी है। तो औरंगजेब ने प्रथम युद्ध जो लड़ा था ये ओरछा के जो राजा हुआ कहते थे जुजार सिंह, इन्हें जुजार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। पुरंदर की संधि इनके द्वारा 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गए। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ और औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। तो देखें जजिया कर अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था जिसे फिर से औरंगजेब के द्वारा यहां पर लागू कर दिया गया। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, वे लगभग 33% हुआ कहते थे। देखें ये यहाँ पर देखने के लिए हमें मिला है कि जो औरंगजेब था इसके दरबार में हिंदू मनसबदार सबसे अधिक थे जिनकी संख्या लगभग 33% यानी 33% थी। बनारस के विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के कैलाश केशवराव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तोड़वा दिया था। तो यहाँ पर बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराव मंदिर था उसको औरंगजेब के द्वारा
1669 ईस्वी में तोड़वा दिया गया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के जो नौवें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, उनकी हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। और यहाँ पर यदि हम देखें तो भरतपुर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चूड़ामल के द्वारा की गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को अहमदाबाद में हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में हो गई।